कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और रात में जो ठंडा मौसम हुआ है उसका पूरा आनंद आप सभी ने लिया होगा। आज क्या आंधी, क्या तूफान, पता नहीं आजकल भगवान को क्या हो गया, हर दूसरे दिन जो है आंधी तूफान करके रात को डरा देते हैं। मैं तो बहुत डर जाती हूँ। हरे कृष्णा बोल देते हैं। तो गाइस, मेरी सुबह हो चुकी है सुबह 4:30 बजे से। 4:30 बजे से मैं उठ गई थी क्योंकि इनका ऑफिस है आज 7:30 पे। इनकी कैब आ जाएगी, वो नहा रहे हैं। तो मैंने कहा कि चले, किसी ने मुझे कमेंट किया था, सॉरी मैं किसी ने बोल देती हूँ, मैं नाम नहीं याद रख पाती हूँ क्योंकि कमेंट पढ़ लेते हैं उसके बाद उतना रिप्लाई यही करते हैं, सर्जी करते हैं, तो मुझे उतना नाम ध्यान नहीं रहता है। पर आपने, किसी ने मेरे को कमेंट किया था कि आप जब खाना बनाती हैं उस टाइम पर भी आप ब्लॉगिंग कर सकती हैं। जैसे कि कल मैंने कहा कि मैं कहाँ और क्या सुबह सुबह ब्लॉगिंग करूँ तो मुझे समझ नहीं आता है, तो थैंक यू आपने मुझे सजेस्ट किया। फिर भी जब मैंने आज सुबह सब्जी बनाई तब मैं आप सभी से नहीं बातें कर पाई। सुबह क्या होता है ना, इंसान आधी नींद में रहता है, रात में ही 1 बज जाता है। 1:30 बजे करीब जो है बहुत तेज़ आंधी तूफान आया, हमारा कूलर लाइट चली गई, कूलर बंद हुआ, तो उसके बाद इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ें जो आती हैं ना उससे मेरे को तो बहुत बहुत डर लगता है। मेरे को ना आंधी तूफान की आवाज़ से मुझे वैसे नहीं डर लगता, मैं वैसे नहीं डरती, तो मुझे आंधी तूफान की आवाज़ से बहुत डर लगता है। तो मैंने आज इनके लंच की प्रिपरेशन लगभग पूरी कर ली है, सिर्फ रोटी और चावल रह गए, दाल सीधी लग रही है। ये दाल बनने वाली है, ये कह रही है कि मैं बनने वाली और यहाँ मैं दिखाती हूँ कि मैं बना चुकी हूँ कटहल की सब्जी। सॉरी गाइस, मैंने आप सभी के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं कुछ ऐसा स्पेशल कर रही हूँ जो मैं रेसिपी और ये सब चीज़ें शेयर करूँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े महारथी जो हैं वो हैं यूट्यूब पर। ये है मेरी कटहल की सब्जी का कलर जो कि गिर गई, आपको दिखाते दिखाते थोड़ी सी सब्जी गिर गई गाइस, कोई बात नहीं, गिरी है स्लैब पे, कोई बात। ये है मेरी सब्जी का सुंदर सा कलर, दिख रहा है आप सभी को, आप सभी को दिख रहा होगा वैसे बहुत अच्छा कलर आया। मैंने ऊपर से 1 चम्मच घी डाल दिया तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी। मैंने सिंपल तरीके से बनाया था मैंने कटहल, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे कटहल थे। एक ही मतलब एक सीटी लगा लेती हूँ मैं पहले कटहल को, सीटी लग जाती है तो क्या होता है बहुत अच्छे से, फिर जब आप उसको भूनोगे ना तो वो एकदम सॉफ्ट, एकदम ऐसा हो जाता है ना एकदम, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। कटहल की सब्जी बहुत पसंद है, घर में सभी को पसंद है, बच्चों को, बड़ों को, सभी। तो अब बनानी है मुझे रोटियाँ, तो मैंने तवा चढ़ा लिया है जो कि गर्म हो चुका है, एक बस कपड़ा मार लेते हैं। आप सभी क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, कैसी हेल्थ है इस मौसम में? देखिए मई ख़त्म होने वाला है लेकिन अभी भी जो है ना ऐसी पहाड़ वाली गर्मी नहीं आई है, ऐसी आफत गर्मी नहीं आई है जिसमें जो है हालत एकदम ख़राब हो जाती है। तो इसलिए भगवान से कहिए कि ऐसे ही मौसम रखे। और देखिए कल हमारे घर में आया है खरबूजा, मुझे तो बहुत पसंद है, घर में किसी को उतना खास पसंद नहीं, पर मुझे और मेरे बेटे केशु को, शायद कार्तिक को भी थोड़ा बहुत, ईशो को और मुझे फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मतलब लगभग सारे ही फ्रूट्स हम दोनों माँ बेटे के ना फेवरेट, कोई भी फ्रूट आ जाए घर में हम दोनों बड़े प्यार से खाते हैं, हमें बड़ा मज़ा आता है। तो आज ये जो है सर जी लेके आए हैं, तो मैंने कहा कि क्या कहते हैं इन्हें भी लंच में दे दिया जाए, भाई पूरे दिन रहेंगे, फ्रूट भी दे देती हूँ, खीरा काट दूँगी, सैलेड भी हो जाएगा, दाल चावल और सब्जी हो जाएगी। और कल ये मार्केट से पेठे लेके आए थे, अगर मेरे पास लंच बच गया ना तो, क्योंकि आज मेरा वो मिर्च का अचार ख़त्म हो गया, आज मेरा जो मैंने गुड़ और आम की चटनी बनाई थी गाइस आप सभी को दिखाया था, वो चाकू दिखा के बात कर रही हूँ मैं वो भी ख़त्म हो गई है, तो उसकी जगह मैं सोच रही हूँ कि अगर मेरा लंच बच गया तो मैं पेठे डाल दूँगी। ये देखिए हमारे आज के फ्रिज की कंडीशन, ये देखिए आम, खीरा, तरबूज, खरबूज, केला, ये नारियल मम्मी के लिए, और केले देखिए कितने हैं जैसे हमें बांटने। ये क्यों हैं इतने फल, किस लिए आए हैं, ये सब मैं आपको अभी बताती हूँ। हाँ, तो अपने फ्रिज भरे हुए फ्रिज को दिखाने के बाद मैं आ गई हूँ आप सभी से बाहर बात करने, क्योंकि जब तक चावल का पानी उबल रहा है, तवा गर्म हो रहा है, तब तक मैंने सोचा कि क्यों ना टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए, आपसे बातें की जाए। तो क्यों आए इतने सारे फल? तो कल है वट सावित्री का व्रत और हमारे घर में हम दो जने हैं व्रत करने वाली,
और दोनों के ही मायके से जो है दोनों के लिए संदेश आना था। संदेश बोलते हैं, है ना, मतलब पापा जो हैं अकुरी और बीएन मतलब पंखा अकुरी फल और पूजा से रिलेटेड ये सामान होता है इसमें, और तो कुछ ऐसा होता नहीं है। तो पापा लेके आते हैं, उसके भी पापा आने थे, मेरे भी पापा आने थे, पर किसी कंडीशन से हम दोनों के ही पापा अवेलेबल नहीं हो पाए हैं। तो पापा ने ये बोला कि आजकल ज़माना इतना फास्ट हो गया, भाई गूगल कब काम आएगा, है ना। तो पापा ने बोला कि यहाँ पे पापा जी से आप जो हैं फ्रूट्स और पूजा का सामान जो है मंगा लीजिए, शॉप से जो है अकुरी का सामान मंगा लीजिए, और जो भी पैसा उसका होता है वो हम गूगल पे कर देंगे, पेटीएम कर देंगे या फ़ोन पे कर देंगे, जो भी अवेलेबल होगा वो पे कर दिया जाएगा। तो आजकल के फास्ट ज़माने में ये भी होता है गाइज। और एक्चुअली क्या हुआ ना, पापा दोनों ही पापा हमारे जो इसके पापा और मेरे पापा हैं दोनों ही शुगर पेशेंट हैं, तो ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकते थे और कोशिश नहीं करी है, पर तबीयत के आगे ना इंसान, हेल्थ के आगे इंसान हार जाता है। तो कल आफ्टरनून में पापा का फ़ोन आया, बाइक चलाते हैं पापा मेरे, तो बाइक से आते वो, पर मम्मी से पता चला कि उनका बीपी काफ़ी डाउन है। आप सभी ने मेरे मायके के ब्लॉग में देखा होगा, पापा को काफ़ी लंबे और काफ़ी पतले हैं, तो वो पहले बहुत हेल्दी भी थे, लंबे थे और खूब हट्टे कट्टे थे, लेकिन शुगर की वजह से ना उनकी सिर्फ जो है हड्डियाँ अब दिखती हैं, अगर बच्चे उनका पैर दबाने जाए ना तो हड्डी गड़ती है गाइस। तो इस वजह से मैंने उन्हें जो है ना बोला नहीं कि पापा आप लेके ही आओ, क्योंकि 14-15 साल हो गए शादी को और हर साल पापा कैसे नहीं कैसे आ ही जाते हैं। तो इस बार मैंने ही बोला कि पापा इस बार ऐसा आप कर लीजिए, क्योंकि जब मैं रहने गई थी तो साड़ी मैं ले आई थी, तो साड़ी आ गई थी, उसकी तैयारी हो गई थी, और आपने कल दीदी के ब्लॉग में आप सभी देखेंगे कि साड़ी वगैरह की हमने क्या तैयारी की है नहीं की है। जो आई थी वो साड़ी मैं नहीं पहन रही हूँ, किसी वजह से वो तैयार नहीं हो पाई है, तो कोई और ही साड़ी पहन रही हूँ, पर वो भी कोरी है, मैंने आज तक कभी भी जूठी साड़ी नहीं पहनी है। जूठी मीन्स वो होती है जो आप एक बार पहन के खा चुके हो, कोरी मतलब बिल्कुल न्यू साड़ी, तो मैं अभी तक वही पहनती हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आगे भी मैं वही पहनूँ। सेम यही चीज़ें छोटी के साथ भी है, सेम उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, तो उसने भी अपना यही जो है आइडिया दिया कि दीदी के मतलब ऐसा हो रहा है तो मैं भी ऐसा ही कर लेती हूँ। तो इस वजह से हमारा फ्रिज जो है वो फुल भर चुका है, कल के लिए आया है सब कुछ, और जो खरबूजा मैं अभी काटूंगी वो मतलब इतना सारा आने के बाद भी जब वो ऑफिस से आए तो लेते हुए आ गए, क्योंकि यहाँ वेडनेसडे मार्केट लगा हुआ था, आप पीछे हालत देख सकते हैं सड़कों की, सब्जियाँ वब्जियाँ जो पड़ी हुई हैं गली हुई, है ना। छोटी की शक्ल मैं आप सभी को नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि उसके ना फूल के ऐसी हो गई, आँखें ऐसी हो गई, इतनी बड़ी बड़ी ठंड लग गई है रात को। शायद पीछे का कमरा है उसका तो बहुत ठंडी हवा है, वहाँ पर भी बिना पंखे के ठंड लग रही है, तो मैडम को थोड़ी ठंड लग गई है ना। तो इस वजह से आज की ब्लॉगिंग की बातें पूरी हो गई गाइस, बाकी कल तैयार होंगे और आपसे ज़रूर मिलेंगे, पूजा करने जाएंगे वहाँ पे, तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इनका फिर से कल सुबह ऑफिस रहेगा, पर दीदी के ब्लॉग में हमारी पूजा आप सभी देखिएगा। बाकी हम घर से क्या कैसे तैयार होकर जाते हैं, क्या क्या तैयारी करके जाते हैं, वो सभी मैं आप सभी को दिखाऊँगी। अभी मैं फटाफट लंच बना लेती हूँ, मैं हो रही हूँ लेट, है ना गाइस, क्यों जब पीछे से हाँ हूँ चल रहा है ना, पर मुझे इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं दीदी नो तो ठीक है, दीदी की बातें मानी जाती हैं तो दीदी भी मानेंगी, है ना भाई। तो ठीक है, आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ अपनी चिट चैट से मैं। आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, और ऐसे ही मुझे सजेस्ट करते रहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। आज आपके सजेशन से मैंने किचन से ब्लॉगिंग स्टार्ट की तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, मेरा पसीना सूख चुका है, इतनी ठंडी हवा है कि मुझे गूस बम्स हो रहे हैं, अब ठंड लग रही है। तो मैं जा रही हूँ अंदर, बाय गाइज, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।